हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी एनएलएम के अंदर ही ये टॉपिक लेके आए हैं। और ये टॉपिक यहाँ पे इतनी डिटेल से नहीं बताया गया है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन डिटेल से पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में, यानी अच्छा फील लेंगे। लेकिन यहाँ पे जितना यूज़ में आएगा उतना मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और एनसीईआरटी में भी इसका यहाँ पे थोड़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। और पीछे वाले वीडियो में थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा था क्योंकि फैन काफ़ी हाई स्पीड पे था, तो उस वजह से वो ध्यान में नहीं रहा, लेकिन इसमें ऐसा शोर शराबा नहीं आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मोमेंटम आप हिंदी में जिसको संवेग बोलते हो यानी पी, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट रहने का मतलब बदलेगा नहीं, यानी अपन इसे बोल सकते हैं कंजर्वड रहेगा, यानी मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंटम जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी पी कॉन्स्टेंट रहने का मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, यानी जो डेल्टा पी है वो क्या होगा, जीरो। यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, ये क्या होगा, जीरो रहेगा। यानी डेल्टा पी जीरो होगा, यानी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ये किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, ये भी तो अपने को देखना है। तो यहाँ पे अपन किसी के बारे में भी पढ़े, यानी यहाँ पर अपन पूरे सिस्टम की बात करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए बोल सकते हैं। जैसे एक सिस्टम है उसमें तीन चार ऑब्जेक्ट हैं, तो अपन उस पूरे सिस्टम को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, पूरे सिस्टम के लिए देखेंगे, कोई भी सिस्टम। जब इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ नेट, और ये भी कौन सी, एक्सटर्नल की बात हो रही है, यानी बाह्य बल, कोई भी सिस्टम है उस पर बाहर से यानी जो बल लग रहा है यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो। यानी बाहर से कोई बल ना लगे, एफ नेट जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल की बात हो रही है, इंटरनल की बात नहीं हो रही। इंटरनल बोले तो जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, या स्प्रिंग को खींचोगे तो अंदर जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आता है, स्ट्रिंग को खींचोगे तो अंदर जो टेंशन फोर्स आता है, उसकी बात नहीं हो रही। जो बाह्य बल हमारे द्वारा जो आरोपित हो रहा है उस बल की बात हो रही है। तो जब पूरे सिस्टम पर एफ नेट यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस ऑब्जेक्ट पर मान लो एक आदमी इधर एफ वन लगा रहा है, इधर ये एफ टू, इधर ये एफ थ्री, इधर ये एफ फोर लगा रहा है। यानी कहने का मतलब इस पे फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन इस ब्लॉक पर जो एफ नेट है यानी टोटल इन सब का सदिश योग यानी वेक्टर एडिशन क्या हो, जीरो। यानी ये ब्लॉक यहां से ना हिले, यहां तो ये बात थी, यानी एफ नेट जीरो की बात, एक्सटर्नल की बात हो रही है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आप जानते हो, न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में आप जानते हो, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये क्या बोलता है कि जो एफ नेट है वो क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई बॉडी है उसके संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन मोमेंटम यूनिट टाइम में, उस बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, उसके बराबर होता है, ये आप जानते हो। इसकी मैं डिटेल यहां पे नहीं बताऊंगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंप्लीट सिस्टम की बात हो रही है। मान लो ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पर जो एफ नेट लग रहा है, एफ नेट कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो क्या हो, जीरो। कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बता रहा है कि इस सिस्टम पर एफ नेट जब जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो, तो डेल्टा पी भी क्या होगा, जीरो। यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। पी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट यानी कंजर्वड रहेगा। अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल की बात क्यों की अपन ने, क्योंकि बेटा जो इंटरनल फोर्स है
जो इंटरनल फोर्स होते हैं ना, वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी इंटरनल फोर्स का जो सम होगा, यानी जितने भी इंटरनल फोर्स हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा ही होगा। जब एफ नेट जीरो है यानी इंटरनल जो फोर्स है वो जीरो होगा ही होगा, यानी जितने भी इंटरनल फोर्स हैं उनका एडिशन, उनका इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी हमने जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन पेयर की बात हुई थी, वो वाला मामला आ जाएगा। इंटरनल के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब यहां से देख लो जाए, यानी एफ नेट क्या है, जीरो है यहां पे, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा पी तो जीरो नहीं हो सकता, एक बार मैं देख लूं आ रहा है या नहीं कैमरे में ये, हाँ ये तो आ गया ना। अब देखो डेल्टा टी तो जीरो हो नहीं सकता, अगर डेल्टा टी जीरो हुआ तो अपॉन में है तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये, लेकिन ये जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब, जब डेल्टा पी इज इक्वल क्या हो, जीरो, यही होगा। और यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कोई भी सिस्टम है, कोई भी क्या है, सिस्टम है यानी कोई निकाय है, इस पर जब एफ नेट एक्सटर्नल यानी जो बाह्य बल है निकाय पर वो क्या हो, अनुपस्थित हो यानी जीरो हो, ना लगे, तो जब इस पर बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा सिस्टम पर, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो। यानी मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, यानी पी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट यानी कंजर्व्ड रहेगा, यानी जो स्टार्ट में है मोमेंटम वही क्या मिलेगा लास्ट में। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पी इनिशियल इज इक्वल पी फाइनल, यानी जो स्टार्ट में था मोमेंटम वही क्या होगा, बाद में होगा, ये बात है। यानी जब तक एफ एक्सटर्नल जीरो होगा मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है आपको यहां से। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इसको पोज करके आप जैसे भी अपनी भाषा में लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो यहां पे, ठीक है, आज फैन काफी स्लो कर दिया तो गर्मी बढ़ रही है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपन देखते हैं इनको। तो अब देखो यहां पे, अपन यहां पे बुलेट और गन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बुलेट और गन की बात करेंगे। और अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अभी अभी क्या देखा है, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जब तक एफ एक्सटर्नल यानी एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो, जीरो। आप बस ये याद रखना कि एफ नेट यानी एक्सटर्नल की बात हो रही है, जब एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो, जीरो, ये याद रखना, तो डेल्टा पी इज इक्वल क्या होगा, जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा यानी पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखना। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व्ड रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं। तो आप जानते हो कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, पी इज इक्वल क्या होता है, पी इज इक्वल एम वी होता है, ये आप देख चुके हो मोमेंटम की डिटेल थोड़ी बहुत, काफी ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ तो देखा था अपन ने, ये था। और जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम की डायरेक्शन थी वो वेलोसिटी, जिस साइड है उसी साइड मोमेंटम की डायरेक्शन थी, क्योंकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वी वेलोसिटी यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी में मोमेंटम है, और इसका मैंने रीजन भी आपको बताया था, ठीक है, जैसे आई कैप वगैरह से लेके, लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा अपन अपने ही करेंगे। तो देखो ये एक अच्छी सी बुलेट है, सॉरी गन है, तो जब ये बुलेट चलती है, गन चलती है सॉरी, तो गन से क्या चलेगी, बुलेट, यानी ये गन है, ये बुलेट है, ठीक है। अब यहां पे गन और बुलेट की बात हो रही है, तो इस कंप्लेट को
इस कंप्लीट को अपन क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो आप गन और बुलेट को, दोनों को एक सिस्टम बोल दो। तो देखो ये बुलेट स्टार्ट में तो गन के अंदर है, जब ये घोड़ा दबाया तब बुलेट आगे चली है, तो पहले तो अंदर है ना। तो इस सिस्टम को यानी गन और बुलेट, इस कंप्लीट को अपन ने क्या बोला, एक सिस्टम बोल दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये कंप्लीट एक सिस्टम है, ये स्टार्ट में अंदर है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो पी इनिशियल है यानी स्टार्ट में, प्रारंभ में जो संवेग है यानी स्टार्ट में जो मोमेंटम है, वही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल होगा। तो पी एफ होगा, ये तो आप जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, यानी जब एफ नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, यानी बाह्य बल लगेगा ही नहीं, जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। अब देखो इस कंप्लीट को एक सिस्टम माना है, इस कंप्लीट को क्या माना है, एक सिस्टम माना है। तो बाहर से इसको कोई धक्का थोड़ी दे रहा है बुलेट को, ठीक है, ये अंदर का मामला है। यहां पे इंटरनल फोर्स लग रहा है, यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा इस सिस्टम से, कहीं बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। यानी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो आप क्या बोलोगे, एफ नेट एक्सटर्नल यहां पे क्या है, जीरो है। एफ नेट एक्सटर्नल यहां पे जीरो है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो बुलेट है इसका मास है स्मॉल एम, बुलेट का मास क्या है, स्मॉल एम मास है बुलेट का, और वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है बुलेट, इधर जा रहा है, इसका मास है स्मॉल एम, किसका, बुलेट का। अब जो गन है, गन का यहां पे मास है कैपिटल एम, गन का मास है। तो देखो जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो आपने देखा होगा कि गन में पीछे की ओर धक्का लगता है, या आपने मूवी वगैरह में फायरिंग होते हुए देखा होगा गन से, जैसे ही सैनिक या कोई आतंकवादी ऐसे क्या चलाता है, गोली दागता है, तो ऐसे पीछे की ओर क्या लगता है, एक बंदूक में जैसे गोली आगे जाती है पीछे की ओर धक्का लगता है, या आपने मूवी वगैरह में तोप से जो गोले दागे जाते हैं देखा होगा, जब गोला आगे दागा जाता है तो तोप है वो क्या है, पीछे की ओर ऐसे झटका लगता है, यानी तोप पीछे की ओर जाती है, गोला कहाँ गया, आगे की ओर। अब देखो ऐसे ब्लेड इधर जाएगी तो गन पर पीछे की ओर धक्का लगेगा, यानी गन पीछे जाएगी, तो गन पीछे जा रही है यानी यू से, इसको प्रतिक्षेपी वेग भी बोलते हैं या रिकॉइल स्पीड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिकॉइल स्पीड या प्रतिक्षेपी वेग भी बोलते हैं, जो गन की वेलोसिटी है उसको बोला है। दागने के बाद जैसे जो बुलेट थी उसको दागने के बाद जो गन की वेलोसिटी है ना, ये इसको बोलते हैं रिकॉइल स्पीड यानी प्रतिक्षेपी वेग। ये था। अब देखो यहां पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, सीधी सी बात है गन ने बुलेट पे लगाया, और बुलेट ने क्या लगाया, जैसे ये बाहर की ओर निकली तो पीछे की ओर गन को धक्का दिया, तो बुलेट पे तो किसने लगाया, गन ने, और गन पर किसने लगाया, बुलेट ने। तो देखो जो बुलेट पे इधर जो फोर्स लगाए एफ बी, पहले बी लिखा है, ये एक लिखने की परंपरा है बस, तो बुलेट पे लगाए किसने लगाया, गन ने, तो यहां पर बोल दो जी, आप बोल दो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, यानी फोर्स, यानी बुलेट पे जो फोर्स लगाए किसके द्वारा, गन के द्वारा। अब पीछे की ओर गन पे जो फोर्स लगाए इधर एफ, किस पे लगाए, गन पे, तो जी पे लगाए, तो फोर्स ऑन गन ड्यू टू किसने लगाया है, बुलेट ने। ये देखो यानी गन पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, बुलेट के द्वारा, ये मामला। तो अब देखना आप इनिशियल, जब स्टार्ट में बुलेट इसके अंदर थी तो बुलेट भी इधर नहीं जा रही थी और गन भी इधर धक्का नहीं लगा था, तो स्टार्ट में इनकी ना तो बुलेट की वेलोसिटी थी और ना ही गन की वेलोसिटी थी, और आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल एम वी, तो स्टार्ट में वी था ही नहीं, स्टार्ट में वी क्या है, जीरो, तो मास इंटू जीरो, जीरो ही होगा। तो यहां पर पी इनिशियल इज इक्वल पी फाइनल। तो अपन बात करते हैं बुलेट की, तो देखो इनिशियल
एम इंटू, स्टार्ट में क्या था, बुलेट स्टार्ट में तो बंदूक के अंदर ही थी, रुकी हुई थी, तो स्टार्ट में बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या थी, जीरो है, क्योंकि इनिशियल प्रारंभ में देख रहे हैं। फिर प्लस, अब देखो यहां पर जो गन है तो ये क्या होता है, मोमेंटम एम इंटू वी होता है, तो गन का मोमेंटम देखे तो गन का मास कैपिटल एम है, तो ये रहा कैपिटल एम स्टार्ट में, लेकिन स्टार्ट में गन भी तो रुकी हुई थी, जब बुलेट इधर गई है तभी ये पीछे गई है, तो स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो थी। अब पीएफ क्या है, इधर देखो पीएफ क्या है, तो फाइनल, फाइनल क्या है, पी किसका मोमेंटम, बुलेट का, तो पी बी बुलेट का मोमेंटम, प्लस किसका मोमेंटम, गन का, तो पी जी, यानी पूरा पूरा सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम में बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, यानी इस पूरे सिस्टम में बुलेट और गन दो ही तो है, तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम आ जाएगा ना, तो एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो, यहां पर मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि रुका हुआ था सिस्टम, तो एम इंटू जीरो 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 प्लस जीरो जीरो, ये आ गया जीरो, जीरो इज इक्वल पी बी क्या है यहां पे, ये देखो पी बी यानी बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, तो अब यहां से पी बी निकालोगे यानी बुलेट का जो मोमेंटम निकालोगे, तो ये पी जी गन का मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का पी जी, ये इधर, कहने का मतलब यानी यहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है, यानी पी क्या रहा है, कंजर्व्ड रहा है, यानी जितना मोमेंटम बुलेट का है उतना ही मोमेंटम किसका है, गन का है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, यानी यहां से आपने क्या देखा कि जितना मोमेंटम बुलेट का है उतना ही गन का है, लेकिन यहां पे माइनस आ गया, तो माइनस यहां पे वैल्यू को नहीं बता रहा, यानी डायरेक्शन को बता रहा है, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो देखो बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और गन पीछे की ओर धक्का लगेगा, तो वेलोसिटी इसकी यू है, यानी इधर है डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस चिन्ह आ गया ना, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां पे मैं आपको और बताऊंगा, चलो एक बार यही बता देता हूं, पीबी क्या है यहां, पीबी क्या है यहां बताओ, या आप यहां पे भी माइनस रख सकते थे, बता दो एक बार, पीबी यानी माइनस प्लस का यहां पे कोई चक्कर नहीं है, माइनस प्लस का यहां पे कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना, तो आप इतना लिख दो सही, यानी ये इक्वल ऐसे हो जाएगा यहां से। अब देखो, और माइनस प्लस कब लगेगा, जब ये डायरेक्शन यानी ऊपर से सिंबल हटाऊंगा ना तभी लगाएंगे अपन, तो अब ये तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे लग ही नहीं रहा था, इंटरनल बुलेट पे किसने लगाया, गन ने, तो एफ बी जी ये बुलेट पे लगा, ये फोर्स, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, ये एफ जी बी किस पे लगा, गन पे, किसने लगाया, बुलेट ने, यानी फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, यानी प्लस एफ जी बी, ये क्या है, जीरो। अब देखो ये एफ नेट एक्सटर्नल नहीं है, ये तो सिस्टम के अंदर लगा है ये फोर्स, इसको एक्सटर्नल मत बोल देना, इंटरनल फोर्स है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये कौन सा है, एक्शन रिएक्शन पेयर का मामला है, कैसे, कि बुलेट पे गन ने लगाया और गन ने, यानी सॉरी गन ने बुलेट पे लगाया इधर, तो बुलेट ने किस पे लगा दिया, गन पे, उतना ही फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट एवरी एक्शन, ठीक है, बोला था अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, तो जितना गन बुलेट पे लगाएगी उतना ही गन पे कौन लगाएगी, बुलेट, यानी ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और ये अब देखो ये जीरो कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जीरो, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये सिंबल हटेगा या इसको सीधा इधर ले जाओ, तो ये क्या है, एफ बी जी इज इक्वल, इसको इधर लेके जाओगे ये माइनस का आएगा ना एफ जी बी, तो देखो
ये एफ वी जी इसके इक्वल है, इक्वल तो है लेकिन माइनस का चिन्ह क्या बोल रहा है, अपोजिट है। यदि बुलेट पे इधर लग रहा है तो गन पे इधर लग रहा है, अपोजिट है। तो अब एफ वी जी की जगह लिखोगे अगर माइनस एफ जी बी और ये प्लस एफ जी बी तो आ जाएगा ना जीरो। तो अब ये भी इंटरनल तो जीरो है ही है, एक्सटर्नल भी जीरो है, तो डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि इंटरनल जितना मोमेंटम बुलेट का है उतना ही किसका है, गन का है। अब आप ऐसे बोलोगे कि सर ऐसे कैसे है, ठीक है तो देखो यहां पे बात करें बुलेट और गन की बात करें तो ये देखो यहां पे जीरो पीबी यानी बुलेट का मोमेंटम, तो बुलेट का मास क्या है एम, बुलेट की वेलोसिटी क्या है वी। मैं यहां पे ये वेक्टर चिन्ह नहीं दे रहा, सीधे ही मान रख दूंगा। फिर पीजी देखो ये इस साइड है ना, तो अब ये नहीं दूंगा, इस साइड है तो अब गन का मोमेंटम यानी एम कैपिटल एम आ गया, बुलेट का स्मॉल एम था इसका कैपिटल एम। अब इसकी वेलोसिटी क्या है गन की यू, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना एम यू, लेकिन ये इधर है तो ये इस साइड है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का ही होगा, नहीं समझे क्या? ये देखो इसके डायरेक्शन इधर है पीबी की, तो पीजी की इधर है, इधर है तो ये ऊपर एरो का चिन्ह हटाया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यानी आप यहां से बोल सकते हो कि कैपिटल एम यू इज इक्वल स्मॉल एम वी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यानी एम यू क्या है पीजी इज इक्वल एम वी क्या है, स्मॉल एम वी क्या है पीबी। ये देखो यानी गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम क्या है सेम, सेम सेम कैसे सेम सेम इसलिए है, देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं एम यू इज इक्वल स्मॉल एम वी, अगर ये एम 10 है और यू कितना है 2 है, तो इधर देखो स्मॉल एम बुलेट का मास मान लो 0.2 इंटू ये कितना होगा, ये देखो 10 और ये 20 है, तो इधर ये कितना आएगा 100 आ जाएगा ना वेलोसिटी इसकी। क्यों? क्योंकि देखो मोमेंटम इक्वल होने का मतलब मास इंटू वेलोसिटी इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी क्या है इक्वल, तो गन का मास ज्यादा है तो गन की वेलोसिटी क्या होगी कम। अब बुलेट का मास तो थोड़ा सा है तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो हम देखते हैं कि मोमेंटम इक्वल होता है ना, तभी देखो गन तो स्पीड कम होती है पीछे की ओर और बुलेट आगे तेजी से दागी जाती है, यानी बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, देखा है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है तो इसका मास कम है, इक्वल होने के लिए वेलोसिटी तो ज्यादा होगी ना, तभी हम बोलते हैं कि बुलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या है ज्यादा है। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखें अपन, तो देखो ये गन का जो मास है कैपिटल एम वो है 5 kg, गन की जो वेलोसिटी है इधर यू, ये निकालनी है अपने को कि गन किस वेलोसिटी से पीछे जाएगी, या स्पीड बोल दो ओनली अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन की नहीं करें तो। अब स्मॉल एम बुलेट की बात है तो स्मॉल एम बुलेट का मास है 0.2 kg, ठीक है बुलेट का मास क्या है 0.2 kg की बुलेट है ये, इस मास की इसका वी दे दिया, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो दे दी अपने को 200 meter per second, ये दे दी। अब अपने को बोल दे कि गन की स्पीड यानी रिकॉइल स्पीड निकालो, यानी ये यू पीछे की ओर जो प्रतिछेपी वेग होता है ना रिकॉइल स्पीड भी बोलते हैं इसको, यू को निकालना है अपने को। तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से P इनिशियल इज इक्वल P फाइनल, तो स्टार्ट में तो देखो इसके अंदर बुलेट है मामला रुका हुआ है तो स्टार्ट में वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या आएगा, देखो M इंटू वी स्टार्ट में जीरो, M इंटू यू भी जीरो, तो इनिशियल तो जीरो आ जाएगा अभी अभी अपन ने पीछे देखा था। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल क्या होगा
इसका मोमेंटम यानी स्मॉल m कितना है 0.2, ये रहा इंटू, देखो एम वी होता है तो 0.2 इंटू 200, वी की जगह 200 ये लिखा। फिर इसमें प्लस किसका मोमेंटम, गन का, लेकिन गन इस साइड है, इस साइड है तो अपोजिट साइड है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इधर जा रही है, गन इधर जा रही है, तो इसका मोमेंटम यहाँ पे माइनस का, डायरेक्शन बता रहा है ये बस। अब गन का मास कितना है 5, ये रहा 5। अब गन की वेलोसिटी इधर देखो कितनी है u, ये u अपने को निकालनी है, तो देखो ये 5u है, इधर माइनस का है, इसको इधर लेके आओ जीरो की साइड, तो ये 5u प्लस का और ये 0.2 इंटू 200 ये हो गया। अब ये पॉइंट हटा, ये कैंसिल आउट, तो ये 40 आ जाएगा, तो 5u कितना है यहाँ पे 40 है, इतना ही तो आएगा ना। अब u कितना आएगा 40/5, यानी कितना आया 8 मीटर पर सेकंड, ये आएगा। ये किसकी स्पीड आ गई, गन की स्पीड आ गई पीछे की ओर 8 मीटर पर सेकंड से इधर धक्का लगेगा। कैलकुलेशन गलत तो नहीं है ना, 200 2 440, और हाँ नहीं है, ये आएगा, ये गन की रिकॉइल स्पीड होगी, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। लेकिन आप हर कंडीशन में ये मत देखना, हाँ यहाँ पे क्या था, मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों था, क्योंकि गन पे बाहर से यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तभी तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पालना यहाँ पे हो रही थी। अब देखो हर टाइम ये जरूरी नहीं है कि पी इनिशियल क्या हो जीरो, हो भी सकता है। यहाँ पे पी इनिशियल जीरो क्यों था, क्योंकि गन भी रुकी हुई थी और बुलेट भी क्या थी, रुकी हुई थी। अगर ये भी चलती तो पी इनिशियल कुछ होता, लेकिन ये दोनों रुकी हुई थी तो इसकी कुछ स्पीड थी नहीं, तो ये क्या होगी, जीरो होगा इनिशियल। लेकिन हर कंडीशन में ये जरूरी नहीं कि पी इनिशियल क्या हो जीरो। पॉज करके छाप लो ये बेटा, ठीक है मैं देख रहा हूँ, हाँ पूरा कंप्लीट आ गया है ये तो। अब देखो इधर यहाँ पर अपन अब बात करेंगे कुछ हटके, कि अब यहाँ पे दो बोल की बात करते हैं, या दो पत्थर की बात कर लो, दो कंचे की बात कर लो, कंचे खेले होंगे आपने है ना। अब देखो यहाँ पे कहानी किसकी है, अब टू बॉल्स की है। तो देखो ये है एक 1 kg का कोई स्टोन वगैरह, कोई बॉल या कुछ भी मान लो, कोई गोला है ऐसे मान लो, और यहाँ पर ये है 2 kg का एक गोला। अब ये जो 1 kg का जो गोला है वो इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ये इधर जा रहा है 2 meter per second से इधर जा रहा है, ये 2 kg वाला गोला भी इधर जा रहा है, लेकिन ये 2 kg वाला इधर जा रहा है 1 meter per second से, यानी ये तो 1 second में चल रहा है 2 meter और ये 1 second में चल रहा है 1 meter, ठीक है। अब इस कंप्लीट को अपन क्या बोल दें, सिस्टम बोल दें, इस कंप्लीट को अपन क्या बोल दें, सिस्टम बोल दें, यानी आप बोल सकते हो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब यानी इस पर कोई बाहर से कोई रिलेशन नहीं रख रहा हूं, यानी दुनियादारी से दूर, यानी सबसे अलग, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इससे कोई और इसके संपर्क में नहीं है, तो इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आइसोलेटेड है, तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ नेट एक्सटर्नल हमेशा ही जीरो होगा आइसोलेटेड में, क्योंकि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको हिंदी में विलगित निकाय बोलते हैं, बाहर से कोई रिलेशन ही नहीं रखेगा तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, और बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होने का मतलब पी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी पी नहीं बदल रहा, तभी तो चेंज इन मोमेंटम जीरो है, ये कहानी तो आप देख चुके हो। तो अब इस कंप्लीट को एक सिस्टम बोल दिया, तो इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा,
कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी एफ नेट एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, तो डेल्टा पी जीरो, पी कांस्टेंट, जब आइसोलेटेड हो तो अपन सीधा ही बोल देंगे। ठीक है, यानी ये सबसे अलग हो। अब देखो यहां पर कि बाहर से कोई एफ एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा। अब इस सिस्टम के अंदर की कहानी देखो, ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, अब ये इधर 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये इसको धक्का देगा। यानी देखो ये 1 kg वाला गोला इससे टकराएगा, इससे टकराएगा तो इसको भी धक्का लगेगा, यानी 2 kg को आगे धक्का लगेगा। लेकिन 2 kg वाला ये गोला 1 kg वाले पे भी धक्का लगाएगा। देखो दो ऐसे गोले हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इससे टकराएगा। देखो ये इससे क्या होगा, टकराएगा। तो ये टकराएगा तो इसकी स्पीड पीछे वाले की कुछ तो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इससे टक्कर करेगा, यानी ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स, यानी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोलिजन। क्या बोल सकते हैं अपन, कोलिजन। ठीक है, ये भी होता है इलास्टिक अनइलास्टिक, वो आगे बढ़ेंगे अपन। इसको बोल दो ऑब्जेक्ट ए, इसको बोल दो बी। तो ये इससे टकराएगा, यानी इस पे फोर्स लगाएगा। इस पे क्या लगाएगा, ये एफ। किस पे लगाएगा, बी पे, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी ए लगाएगा। अब ये इस पर उल्टी फोर्स, ये देखो ये इससे टकराएगा तो ये तो आगे जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड इधर, ये इधर टकराने पे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर ये टकराने पे इधर की ओर धक्का देगा। तो इस पर जो धक्का देगा ना, इस साइड, वो क्या होगा, एफ। किस पे लगेगा, ए पे। कौन लगाएगा, बी, यानी बी ए पे इधर लगाएगा और ए बी पे इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन ये तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल यानी बाहर से तो लग ही नहीं रही। और ये जो है, ये इसको बोल सकते हैं अपन एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी ये इक्वल एंड अपोजिट होती है। यानी ये जितनी इस पर लगाएगा उतनी ये इस पर लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं इसको। अब देखो जब भी इनकी टक्कर हुई, यानी कोलिजन, हिंदी में टक्कर बोलते हैं, टक्कर के बाद देखो क्या हुआ। ये जो 1 kg वाला है, इसकी पहले स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये इससे टक्कर होगी तो टक्कर के बाद ये थोड़ा धीमा चलेगा। तो ये जो 1 kg वाला है ब्लॉक, टक्कर के बाद का मामला है, इसकी स्पीड अब हो गई 1 मीटर पर सेकंड। ये मान लो इतनी हो गई, यानी पहले इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन टक्कर के बाद ये स्लो हो गया, क्योंकि इस पर पीछे की ओर भी बल लगा तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। अब ये 2 kg वाला आगे जा रहा है, 2 kg वाला क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन इस 2 kg वाले की अब अपने को स्पीड नहीं दी, यानी v नहीं दिया, ये अपने को निकालना है। v अपने को क्या करना है, निकालना है। अब ये निकालना है कि इसकी वेलोसिटी, ये है तो पूरा एक सिस्टम। तो स्टार्ट में तो कहानी ये थी, टक्कर के बाद यानी कोलिजन के बाद फाइनल क्या कहानी बनी। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा, यानी पी इनिशियल इज इक्वल क्या होगा, पी फाइनल। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर कंडीशन में पी इनिशियल जीरो नहीं होगा, पी इनिशियल है वो जीरो नहीं होगा। मोमेंटम एम वी होता है, तो देखो स्टार्ट में इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तो देखो इसका स्टार्ट में मास, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास क्या है, 1 kg, तो पी इनिशियल, इनिशियल में ये 1 था और इनिशियल में इसकी स्पीड क्या थी, 2v2 था, तो ये 2, यानी एम इंटू वी, यही है ना, ये इसका मास है 1 और ये वी है। अब ये देखो ये भी इधर 2 kg का है और इधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो ये भी किसका होगा, प्लस का। अगर ये इस साइड जाता, जैसे हमने देखा था ना बुलेट इधर जा रही थी, गन इधर, तो माइनस का लिया था, लेकिन ये भी इधर जा रहा है तो डायरेक्शन सेम है, तो ये भी प्लस का, प्लस इसका मास 2 इंटू वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 1। ये तो इनिशियल है, इनिशियल में मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, ये लिखा है। फाइनल में यानी टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद, ये मैं कोलिजन यहाँ पे लिख देता हूँ, कोलिजन के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, 2 से क्या हो गई, इस 1 केजी वाले की 1 हो गई। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है, 1,
इनटू वेलोसिटी भी क्या है, 1। अब टक्कर के बाद 2 kg वाला भी तो आगे ही तो जा रहा है ना, इस इधर ही तो जा रहा है, इधर थोड़ी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसका मास क्या है, 2 इंटू, इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई यानी v, अपने को यहाँ पे v निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, अपने को v निकालना है। अब इसको सॉल्व करो, 1 × 2 2 + 2 × 1 2 = 1 × 1 1 + 2v, तो ये 2 × 2 = 4 और ये 1 इधर गया तो माइनस का, यानी ये 3 = क्या आया, 2v। तो देखो 2v = क्या आ गया, 3। 2v = क्या आ गया, 3। अपने को तो v निकालना है यानी 2 kg वाले की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका v, ये 3 है ये 2 इधर गया अपॉन में, तो v = 1.5 m/s, यानी ये इधर जाएगा किस से, 1.5 m/s से, यानी 1 सेकंड में ये 1.5 m डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, यानी इतने से ऐसे। तो देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, तो मैंने बोला था ना हर टाइम ये 0, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कल अपन स्प्रिंग फोर्स का बड़ा वीडियो लेके आएंगे। और हाँ बेटा, टीचिंग मैट पे मैं लाइव क्लास लगाऊंगा, रे ऑप्टिक्स 12वीं क्लास की, तो आप 11वीं का कोई स्टूडेंट इंसुक हो तो देख सकते हो। अब देखो इधर, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे बूम की, यानी क्या मामला है ये, तो देखते हैं यहाँ पर बूम की कहानी देखते हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा फैन ऑफ ही कर देता हूँ ना, ये चलो ठीक है, अब आवाज़ नहीं आई। ये है बॉम की कहानी, ये बॉम है। जब विस्फोट हुआ, जब ये फटा अपने आप, यानी कि बाहर से लाए और इसको ऐसे फाड़ा है, नहीं अपने आप फटाएगा, तो अपने आप जब ये फटा, विस्फोट हुआ तो ये कुछ यूं फटा ऐसे। तो देखो स्टार्ट में ये रेस्ट में था, स्टार्ट में ये रेस्ट पे था। इस कंप्लीट बॉम्ब को हमने क्या बोला, सिस्टम बोला, कंप्लीट बॉम्ब को इस हमने क्या बोला, सिस्टम। और इसमें स्टार्ट में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, इस पर क्या नहीं लग रहा था, कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, एक्सटर्नल जीरो था। अब इस पर जब एक्सटर्नल जीरो है, यानी स्टार्ट में जीरो है एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा, जो भी लगेगा इंटरनल फोर्स। तो जब इसका विस्फोट हुआ, ये फटा, तो इस टाइप से फटा कि इनका मास था वो 1 और 2 में, यानी इसका रेशियो था 1 और 2 का, 1/2 का रेशियो था मास का, ये रेशियो दिया हुआ है मास का, द्रव्यमान का दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि ये 2 टुकड़ों में बंटा, पहले तो रेस्ट में था, फिर 2 टुकड़ों में, तो एक टुकड़ा तो ये हो गया, इसका मास हमने बोल दिया कैपिटल एम। तो ये देखो 1:2 में, तो इसका कैपिटल एम है, तो इस वाले का मास इससे 2 गुना है, तो ये वाला जो टुकड़ा है इसका मास 2 गुना है, तो इसका बोला 2m कैपिटल एम, ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1:2 में है तो इसका कैपिटल एम है, रेशियो ये है 1/2 का, तो इसका कैपिटल एम है, तो इसका 2m ही होगा ना, ये इससे ये 2 गुना होगा। तो फटने के बाद इनकी वेलोसिटी होगी, फटने के बाद इनकी क्या है, वेलोसिटी। फिर अपने को क्या बोला गया कि ये m मास का था और ये क्या था, 2m मास का। तो जो 2m मास वाला था वो, ये बड़ा जो टुकड़ा था वो इधर जा रहा था 5 m/s की स्पीड से, यानी 2m मास वाला इधर जा रहा है 5 m/s की स्पीड से, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है। अब अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, जो कैपिटल एम मास वाला है ये इधर जाएगा, इसकी स्पीड देखो फटा है तो बॉम्ब का एक टुकड़ा इधर जा रहा है तो दूसरा इधर तो जाएगा ही जाएगा ना, दूसरा इधर जाएगा। तो ये जो 2m मास वाली ये जो बॉडी है
इसका जो टुकड़ा है पूरे सिस्टम का, ये टुकड़ा ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो अपने को जो एम मास में जो इधर जा रहा है ना यू से, ये यू निकालना है। तो हमने क्या देखा, एफ नेट एक्सटर्नल जीरो था, तो हमने क्या देखा कि पी इनिशियल इज इक्वल होगा पी फाइनल के, ये होगा। अब इनिशियल क्या है, जीरो है इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो, तो मोमेंटम अपने आप जीरो होगा, यानी यहाँ पे ये स्टार्ट में रुका हुआ है, तो इनिशियल क्या है जीरो। अब पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल यानी इसका इसका मास क्या है एम इनटू, इसकी स्पीड क्या है यू है, या एक बार इसके लिए छोड़ दो, पहले इसका देख लो, इसका क्या है मास 2m इनटू, इसकी स्पीड क्या है 5, तो इस डायरेक्शन को प्लस लिया है तो इधर वाली को माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस डायरेक्शन बता रही है ना कि वैल्यू बता रही है, तो देखो इस इधर इसको प्लस लिया तो इधर वाले को माइनस, तो ये लो माइनस, ये इसका मास कितना है कैपिटल M, इसका मास 2m था इसका कैपिटल M, क्योंकि 1/2 में था ये। अब ये इधर जा रहा है U, तो देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तभी तो माइनस लिया है। अब देखो ये एम यू इधर माइनस का इधर लेके आओ तो एम यू आ जाएगा, और ये 2m और 5 कितना आएगा 10m। यहाँ पे जो कैपिटल M है ये मीटर को नहीं बता रहा, ये मास को बता रहा है, तो m से m कैंसिल आउट, यानी u क्या बचा फिर आपका, इधर देखो u क्या बचा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो कैपिटल M मास वाला जो है ना ये पार्ट, ये u, ये जाएगा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर 5 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो मोमेंटम क्या है, दोनों का सेम सेम है, कैसे, जितना ये इधर जाएगा उतना ये देख लो जाए, यानी ये क्या इसका मास, ये इसकी स्पीड है, तो ये देख लो 2m into 5 यानी कितना 10m इसका मोमेंटम आ गया इस वाले का। अब इसका मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम यानी मास into वेलोसिटी, इसका मास क्या है कैपिटल M into, इसकी वेलोसिटी क्या है 10, तो m into 10 भी क्या होगा 10m, यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम, इसका मास ज़्यादा है। देखो इसकी वेलोसिटी 2 गुना है और इसका मास 2 गुना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई देखो सेम सेम है ना, मोमेंटम सेम आ रहा है ना, तो अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक छोटा सा लेक्चर था, बाकी अपन सेंटर ऑफ मास में इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में अपन कल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिएगा, थैंक यू।